किचन की खिड़की से चार लड़कियां रहती हैं, चारों से मेरी बात होते रहती है। आप तो पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। मुझे सुबह से भूख बहुत लग रही थी तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे चलते फिरते खाने के लिए। सुबह से तो बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम होना बाकी है। कपड़े भी धो लिए थे देखिए मैंने। और चलिए यहाँ और बात करते हैं। ये जो दुकानें हैं ना, इसके पीछे जो घर है वहाँ एक मेस है। वो लोग 40-50 लोगों का डब्बा बनाते हैं एलन के क्लासेस वालों का। और वो देखिए जा रहे हैं, वो भाभी कचरे की गाड़ी आई थी ना फेंक कर, उनके साथ भी मेरी अच्छी बोलना हो गया है और वो भी काफ़ी दिल से बातें करते हैं। और यहाँ भी एक लेडी है, बस उनका और मेरा मुस्कुराहट वाला हो गया है। जब भी देखते हैं वो भी मुस्कुराते हैं, मैं भी मुस्कुराती हूँ, मतलब बातें नहीं हुई हैं। और मेरे नीचे ही रहते हैं ना, मैं सेकेंड फ्लोर पर हूँ और ये फर्स्ट फ्लोर पर जो रहती हैं ना, उनके साथ भी मेरी अच्छी बोलना हो गया है। ये देखिए ऑरेंज साड़ी में वो चौरसिया आंटी जा रहे हैं। और ये जो सेकेंड फ्लोर पर है ना, इनके साथ भी मेरा अच्छा बोलना हो गया है। ये भाभी का नाम शायद साधना भाभी है। कैमरा ऑफ करके मैंने उन दोनों लोगों से बात की। और चलिए मिरेकल होते हैं बोलकर इस मामले पर मुझे आपके साथ बात करना है। चलिए बातें शुरू करते हैं। कितने भी लाइट लगाओ जी, उजाला उतना नहीं हो रहा है क्योंकि बादल बहुत घने आए हुए हैं, तो इस वजह से। चलिए मिरेकल होते हैं बोलकर कल का वीडियो जो आपने देखा ना, एक्चुअली रात में साहब ने फ़ोन किए, रानी एक अजूबा हो गया मेरे साथ। मैंने गाड़ी का वीडियो लिया, उसमें गाड़ी है ही नहीं रानी, 15-20 मिनट हमारे सामने से चली बोलकर। तो मैं उस वक्त तो फिलहाल सुनते भर भर एकदम घबरा गई, ऐसे कैसा हो गया बाबा। थोड़ा सा होता ही है ना हर किसी के मामले में, जब सुनते हैं तो फिर आधे एक घंटे के बाद में है ना, मुझे अल्लाह पर इतना ये हुआ, शायद अल्लाह की करामत ही होगी, अगर थोड़ा सा फास्ट पादरी साहब जाते हैं तो शायद उनको आगे कुछ खतरा होता, शायद कुछ अनवांटेड चीज़ उनको देखने को मिलती, शायद कोई मुसीबत होती, शायद अल्लाह उन्हें बचाने के लिए 15-20 मिनट लेट कराया गाड़ी को। मतलब इस वजह से वो अनजानी गाड़ी उनके सामने चल रही थी, उनकी स्पीड भी कम हो गई थी। तो देखिए सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच सकते हैं,
पर मेरा तो सोचना ऐसा है, मैं नेगेटिव कम ही सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। तो मुझे है ना वो वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि पादरी साहब तो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे, और साथ में सलीम भाई भी थे, दोनों भी थे, और उनको ताज्जुब इस बात का हुआ वो गाड़ी डिवाइडर पर से उधर दूसरे साइड चली गई। तो डिवाइडर पर से जाते हैं तो एक तो गाड़ी अलट पलट जाती है, या तो फिर गाड़ी एकदम हल्के मुश्किल है समझ लीजिए। तो उनको ये समझ में आया, इतना डिवाइडर पर से जाने के बाद भी गाड़ी को कैसे कुछ नहीं हुआ, कैसा तो भी गया इन्हें, ठहर बोल के वीडियो देखने के लिए वीडियो में क्लिक करें तो वीडियो में सिर्फ रास्ता चल रहा, गाड़ी है ही नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी जो भी मर्जी थी तूने मेरे शोहर की हिफाजत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो ऐसा सोचा है। देखिए जी, वैसे आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे जहीन भी बॉम्बे में आया है, मतलब कल आज रात में निकलेंगे, या तो फिर कल रात में निकलेंगे, आज सुबह या परसों सुबह में आएंगे वो लोग। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो क्लिप 15 सितंबर के हैं, फ्राइडे के सुबह सुबह। देखिए कितनी बारिश हो रही है, और ये घर में जो पहले लेडी रहती थी ना, उसने सारे कुंडियाँ ख़राब करके रखी हैं। उसने किया है क्या, वो सताने वाली थी, कुछ भी करती होंगी गलत काम, तो उसका हस्बैंड ने जल्दी खुलने के लिए ऐसे करके रखा है, पता नहीं हर रूम के है। और एक साल का बच्चा था, बोलते एक साल का बच्चा तो इतना कुछ करता नहीं है ना ऊपर के कुंडियों को। चलिए बारिश का हाल देखिए, रात में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, शायद आज दिन भर भी होगी। चलिए, मेरा तो काम है बाहर और अंदर अगरबत्ती लगाकर खुशबू फैलाना, और मैं आज थोड़ा सा टचअप करूँगी। और ये टूथब्रश से टचअप करने से ना स्किन नहीं रंगती है, बाल उतने ही रंगते हैं। उसके बाद यूसुफ़ का टिफ़िन बनाऊँगी। आज टिफ़िन में है ना, मैं उसका सबसे फेवरेट वाली रेसिपी बना रही हूँ। एक्चुअली देखिए, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनकी रेसिपीज चेंज भी होती हैं। फेवरेट वाली ये बहुत पसंद थी, अब जब बनाई ना तो आके बोला उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया अम्मी बोल के। ये कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, और ये इस तरह से डबल बॉयलर में मेल्ट करती हूँ मैं। एक्चुअली उसकी गैस की फ्लेम पूरी कम रख के हल्का गर्म पानी होता है, उसी में ये है ना पूरा मेल्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से ये पूरा मीठा मीठा ही होता है, सेम चॉकलेट जैसा। डार्क होने की वजह से थोड़ा कड़वा होता है, आप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं। बस कुछ नहीं, अच्छे से मेल्ट करने के बाद में इस तरह से ब्रेड पर फैला रही हूँ। आप रोटी पर भी फैला कर दे सकते हैं अगर आपके बच्चे ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं तो। ऊपर से भी एक रख लूँगी। इस तरह से दो बनाए थे और आधा एक बनाया था। और बहुत ही बड़े सपनों वाले माँ बेटे का सुबह सुबह बोर्विटा बन रहा है, मेरा नहीं यूसुफ का। देखिए हमेशा बिग ड्रीम बोलकर मैं बताती हूँ ना। सलाम भैया, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं ना, उन्हीं चीज़ों में से वो कप भी है मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है। चलिए ब्रेड को ऊपर नीचे से बटर लगाकर अच्छे से सेक लेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। मैं हमेशा टिफ़िन में थोड़े से ज़्यादा ही बांधती हूँ, ऐसे बोलती हूँ ना, क्योंकि अगर दूसरे बच्चों को भी पसंद आ जाए तो वो भी एक दो उठा लें, तब भी हमारे बच्चे का पेट भर जाए। और ये चॉकलेट का काम करने के बाद है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथों को बहुत लगता है, बार बार धोना पड़ता है। उसके बाद वो पूछा मुझे, अम्मी मैं उठा के जाऊँ कि आप उठाएँगे बोलकर। मतलब टाइम के हिसाब से चलता है उसका काम, अगर टाइम कम होगा ना तो वो चला जाता है, अगर ज़्यादा होगा तो पूरा दस्तर वगैरह उठा कर जाता है। उसी बीच में मैंने मेरे लिए चाय बना ली,
और ये देखिए चॉकलेट भी नीचे इधर उधर फैला है, पैर को लगा तो मैंने जल्दी से उंगलियों से निकाल लिया उसे हाथ में। और यहाँ आज है ना धूल की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा फैला पड़ा है। यूसुफ के जाने से पहले मैंने एक रूम ही झाड़ लिया है क्योंकि पूरे रूम उतने जल्दी नहीं हो सकते हैं, टाइम लगता है। चलिए सुकून से बैठ कर चाय पीते हैं। वैसे मैं चाय है ना 90% तक छोड़ी हूँ, बस बड़ी सौंफ, पुदीना और क्या था वो इलायची, तीनों सेम क्वांटिटी में लेकर पीस कर उसी का गर्म पानी पी रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। उसी बीच में देखिए सलीम भाई आए हैं, कॉल किए हैं, नीचे का गेट बंद है तो फिर मैं ऊपर से ही उनको चावी फेंक दी हूँ। और यूसुफ नहा कर आया है, अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है। कुछ दिनों से ये चीज़ों की गड़बड़ बहुत हो रही है, मैंने सोचा है अब मैं सुबह उठते के साथ एक काम ज़्यादा नीचे जाकर गेट खोल कर ही आ जाऊँ। देखिए वो नीचे से मुझे आवाज़ दिया है, चावी लेकर गई, गेट खोल कर वापिस आ गई हूँ मैं। अगर सुबह सुबह मैं ये करके रखूँ तो यूसुफ को दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से चला जाएगा। चलिए जुमा है तो मेरा जुमा मनाने का रहता है, नहाने के लिए जल्दी से आ गई हूँ। पर इतना गड़बड़ हो गया, आपने नोटिस किया होगा उसने आइडेंटिटी कार्ड लेकर नहीं गया था, वापस आया। मैं समझी पात्री साहब आ गए, रुक जाओ थोड़ी देर बोली, 5 मिनट रुकने के बाद बोला अम्मी मैं हूँ बोलकर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सॉरी जी, मेरा तो गला बहुत ख़राब है। जहीन को लाल खिचड़ी होने की और पादरी साहब को खिचड़ी नहीं होने की, तो फिर कुछ ऑर्डर तो नहीं दिए, पोहे बना लेती हूँ, उनको पसंद भी आते हैं। लेकिन मेरे लिए है ना पोहे बनाना एक बड़ा टास्क है। मैं बिरयानी 5 मिनट में बना लूँगी, पोहे के लिए मुझे इतनी सारी तैयारी करना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट पात्री साहब को पसंद आए जैसे बनाने के लिए। उनको कैसे पसंद आते हैं पता है क्या? सूखे सूखे, तेल नहीं रहना, मतलब थोड़ा 5 मिनट छोड़ेंगे ना तो चामट लगते मालूम है। मतलब मुझे अच्छी रेसिपी बनाने की तैयारी नहीं करनी पड़ती, खराब रेसिपी बनाने की तैयारी करनी पड़ती। मेरे घर में मेरे पोहे सब लोग पसंद करते हैं, कितने अच्छे बने हैं। मेरी देवरानी जेठानी भी आई, खट्टे मीठे सॉफ्ट सॉफ्ट कितने अच्छे हैं बोल के। पादरी साहब को नहीं पसंद आते, वो बात नहीं आई। यूसुफ़ के आवाज़ देने की वजह से मैंने इतना साफ नहाई कि पैर को आयोडेक्स लगाई थी, वो आयोडेक्स भी नहीं गया। क्योंकि वो फिर क्यों आया है बोले तो फिर अम्मी आइडेंटिटी भूला हूँ बोल के। चलिए गुस्सुल भी उतार कर आ गई, जब वजू करूँगी ना तब पैर अच्छे से घिसके कर लूँगी। चलिए पोहे बगा रही हूँ सिंपल से, कितना भी बोले तो मेरे हाथ से उतना तेल कम नहीं होता है। तेल डाला, राई डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, 2 हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला, आधा नींबू, आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, प्याज को सॉफ्ट कर लिया, 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर डाली। और ये पोहे देखिए 2 से 3 लोगों को आराम से अच्छे से ब्रेकफास्ट हो जाएगा। पहले ही धोकर 2-3 पानी से रखा था, उसके बाद इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चम्मच से ज़्यादा मिक्स करेंगे ना कभी कभार टूट जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे उछाल उछाल कर मिक्स करेंगे ना तो उसका क्या बोलते हैं शेप अच्छा रहेगा तो आँखों को दिखने में अच्छा लगेगा। एक भी रेसिपी बनाओ ना तब भी चीज़ें हैं ना मतलब इधर उधर हो ही जाते हैं और काफ़ी किचन काउंटर गंदा हो ही जाता है, तो साफ़ करना ज़रूरी है। मैं तो हमेशा करती हूँ, आप लोग नोटिस भी करते होंगे। देखिए जब किचन काउंटर से कपड़ा सरके ना तो 2 बूंद पानी डालकर इस तरह से भर से गाड़ी चला देंगे। चलिए ये झल्ला साफ़ करते हैं, मतलब इसको खाली करते हैं, इसके बाद दूसरे बर्तन धोएंगे। सारे बर्तन धुलने के बाद सुबह मॉर्निंग में एक टाइम मैं इस तरह से ये किचन काउंटर के आसपास का पूरे नल और ये अंदर का भांडा वगैरह एक बार धोती हूँ, उसके बाद सुबह दूसरे मॉर्निंग भी धोती हूँ। बार बार जब बर्तन धोए तब नहीं धोती हूँ क्योंकि इतना भी ज़्यादा काम सही नहीं रहता है, इतनी भी ज़्यादा सफाई। ये बर्तन तो खाने वाले हैं, हम बर्तन ऊपर लेते हैं साबुन लगा कर उसे धो देते हैं तो फिर उसमें चिकना रहने का सवाल ही नहीं उठता।
उठता, पर ये सुबह सुबह एक बार का मेरा काम है। वैसे ये मेरा काम आपको सही लगा या फिर हर बार बर्तन धोते हैं तब धोना ज़रूरी है? चलिए आपका क्या सोचना है ये ज़रूर बताएं। ये पूरे नल वगैरह भी धोती ही हूँ मैं, इसके ऊपर पानी के छींटे उड़ते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा वाइट वाइट सफाई नहीं लगती है, आँखों को नहीं चमकता है। ये सब धोने के बाद इसके अंदर उंगली काता डालकर अच्छे से घिस के धोती हूँ, क्योंकि पानी कंटिन्यू चलता रहता है ना तो पानी की पिसलाहटपन इसके अंदर आती है, और इसी का मैं लेकर कुकिंग वगैरह सब करती हूँ ना, तो ये चीज़ें इस तरह से साफ़ करती हूँ मैं। पहले दिन कचरे का डब्बा अंदर रखती हूँ, दूसरे दिन बाहर लेकर जाकर रखती हूँ। एक्चुअली कचरे वाली गाड़ी तो है ना 3-4 दिन गैप करती है, दूसरे दिन आई तो सही होता है, 3-4 दिन गैप करी ना, कचरे में से इतनी स्मेल आती है और मच्छर होते हैं। और वेज है भाजीपाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉन वेज है तो अल्लाह खैर करे ऐसी हालत हो जाती है, क्या बताऊँ मैं आपको। वैसे तो आने वाले वीडियोस में सब ही पता चल जाएगा। ये लोग आने वाले हैं और बारिश की वजह से है ना यहाँ पूरा गीला गीला हो गया है। ये लोग आएंगे तो थोड़ा सा इधर आएंगे ही ना, और गलती से इनका पैर वगैरह फिसल जाए तो जहीन और पादरी साहब का तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुबह से कंटिन्यू मेरा इधर आ आ कर है ना ये पानी पोंछने का काम चालू है। सलाम अलैकुम पादरी साहब, आप 2 दिन बाद से अंदर सलाम नहीं कर पा रहे। वालेकुम अस्सलाम, पहले अच्छा नहीं लग रहा मेरा, कितना बारी किया था ना बहुत बारी किया से चार संदे ने भाई ऐसा चाहे गौन पार्टी आज बहुत सता है। क्लास गई ना, क्लास गई ना, उसकी क्लास बहुत जल्दी होती है क्या जी? बुट्टा क्या करे? बुट्टा सुरेश कला दी बुट्टा डाल दी मैं तुमने बोर हो गया क्या लग रहा है? आम आम की तरह से दाने निकाल तो मैं खा सकते हैं ना, वो बंदा खाया चुका। और कमेंट आ रही है दाल में पानी कम डालना कहते हैं पानी वाली दाल का मजा आए पर खा तो देखो तो सही थोड़ा सा भी अगर मैं दाल गाड़ी गाड़ी कर दूं ना तो ये क्या बेसन पकाई तुम बोलती मुझे और पतली कर आप लोग बोल रहे पानी कम डालो बोल के मैं पर्टिकुलर क्या मैं साउथ इंडियन हूँ ना शायद क्या कर रहे थे वो गैलरी में से देख सकते बोलता हूँ साउथ इंडियन हूँ शायद इसीलिए मुझे खट्टा खट्टा पानी लम्बा पसंद है। पात्री साहब को पोहों के साथ दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको दही अगर पोहे बनाऊँ तो दही कहीं से मंगाऊँ बोलकर। और सिटी में रहने का एक एडवांटेज भी यही है, दही बहुत सही और परफेक्ट मिलता है जी, जब ज़रूरत होती है तब। और आज सच में मेरे पोहे हैं ना सीमा भाभी और रुबीना के जैसे बने हैं। सीमा भाभी मेरी सहेली है, रुबीना मेरी देवरानी है। वो तेल इतना कम डालते हैं, सूखे सूखे बहुत अच्छे लगते हैं पात्री साहब को। मैंने आज बहुत कोशिश करके वैसा ही बनाया है, बिल्कुल प्लेट को तक तेल नहीं लगा था। तुझे खाने दूँ क्या? रुको पादरी साहब भी खाते हुए बोले वाव रानी काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनाई हो ना पोहे बोलकर। और ये जहीन के लिए लाल खिचड़ी, पर उसने पोहे भी खाए थे। एक जमाने से नहीं लिए वो ना लड्डू महंगे दुनिया का महंगा खा रहे हैं। मैं तो दिल्ली में हूँ, तो मुझे बैठ नहीं पा रहा। मैं देना मुझे याद कहाँ रहने लगे और खजूर वो सब खराब हो गए। पर तू जो कर रहा है ना सेम अब्बा दादाजी के साथ
करते थे तेरी वही होने वाली है मेरे पता नहीं मैं और ज्यादा भड़का दूं तुमने कॉल कर दी चलिए दोनों भी बहुत सारे कपड़े धोने के लाए हैं और बोल रहे हैं अभी धो बोलकर, और पात्री साहब अभी बैंक में जाकर आएंगे, उनका उनका काम है, वो लगभग 3 बजे के आसपास चले जाएंगे। और सफरी जी गला बहुत खराब है, और क्या बोले तो जहीन के लिए तो अभी मुझे कपड़े धोना ही है, सूखो ना सूखो बारिश तो हो रही है, जहीन आया है मतलब चिकन बनता रहेगा। चलिए दोपहर में शायद चिकन ग्रेवी और सालन ही मतलब चावल ही बना लूँगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। जब भी बॉम्बे जा रहे हैं ना, एक दो मेरे लिए कपड़े ला ही रहे हैं। एक्चुअली बीच में मैंने ही उनको मना किया था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे पास, पर उनको लगता है मुझे गिफ्ट लाने पर है ना उनका हैप्पी हैप्पी टाइम होता है बोलकर मैं कट नहीं करती ले तो छोटे बच्चे सताते हैं तो बड़े बच्चे थोड़ी सताते हैं, मैं भी तो छोटा ही हूँ। चलिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।